नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी गाजर का हलवा। और इसे हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ना तो इसमें हम खोया डालेंगे, ना बहुत ज्यादा दूध की हमें जरूरत है। और ये हलवा बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो मैंने 1 किलो गाजर लिया है, मैंने उसे धो करके अच्छी तरीके से छील लिया है और उसके आगे पीछे के साइड को मैंने काट दिया है और उसे कद्दूकस करके रख लिया है। तो आपको जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप गाजर ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। तो 1 बड़ा चम्मच घी इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अभी ठंडी का मौसम है तो घी जमा हुआ है, इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम। कुछ तो मैंने छोटे टुकड़े में कर लिए हैं और कुछ टुकड़ों को मैंने बड़ा रखा है। तो इसे हम घी में डाल देंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलवे में हमारे। तो बस 1 मिनट तक धीमी आंच पर इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया है, इसे निकाल लेते हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच खरबूजे का बीज। अगर आपके पास है तो इसे जरूर डालिएगा, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही डालिएगा, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं आप, हलवा तो अच्छा ही बनेगा। तो हल्का से इसे भूनेंगे, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है। तो इसी घी के अंदर हम ये कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। तो इतने गाजर बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर है, बिल्कुल लाल कलर का गाजर है। और टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो सारे गाजर को हम इसके अंदर डाल देंगे। आज तो हमने मीडियम रखा है, इसे हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। तो मैंने गाजर को 3 से 4 मिनट तक भून लिया है और आप देख सकते हैं ये गाजर थोड़ी सी कम भी हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो ये अच्छी से भून गई है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये हमने 2 दिन की मलाई ली है दूध की, मैंने इसे फ्रीजर में रखा था। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसी कटोरी से हम 1 कटोरी भरकर फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो इसके अंदर हम खोया नहीं डालेंगे, इसी दूध से और मलाई से अच्छी तरीके से जलते हुए खोया बन जाएगा और हलवा हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। आप देख सकते हैं हलवा हमारा अच्छी तरीके से पक रहा है और दूध हमारा गाढ़ा होता जा रहा है और ये अच्छी तरीके से पक भी रहा है और इसी से ये खोया बनता जा रहा है। तो इसमें खोए की कमी महसूस नहीं होती है, ये हलवा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग ज़्यादा खोया नहीं खाते हैं तो इस तरीके से इसे हलवा बना सकते हैं। तो इसे बराबर चलाते हुए हम इसका दूध जो है बिल्कुल सुखा लेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट के अंदर ये कितना सूख गया है। तो 5 मिनट इसे हम और पकाते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो हमने 1 छोटी कटोरी करीब 100 ग्राम हमने शक्कर लिया है, मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम मिला देंगे, आंच को हमें तेज़ नहीं रखना है। तो चीनी डालने के बाद ये गाजर हमारे फिर से गीला हो जाएगा, क्योंकि ये चाशनी बनेगी इसमें तो ये गीला हो जाएगा, पानी छोड़ेगा। तो इसे बराबर चलाएंगे और चलाते हुए मीडियम आंच पर इसे हम पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा सूख नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं चीनी डालने के बाद इसमें चाशनी बन गई है। तो इसी के साथ हम गाजर को पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये सूख जाएगा। तो इसे बराबर चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसमें अच्छी तरीके से चाशनी जो है वो भी सूख गई है और जो मैंने दूध को डाला था वो तो पहले ही सूख गया था। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और ये अच्छी से भून भी गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कूटी हुई इलायची। हमने 4 से 5 इलायची को कूट लिया है और इसे डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और हमने जो ड्राई फ्रूट को भून करके रखा है उसे भी डाल देंगे। आपको जितना पसंद हो कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं इसमें। और इसे मिला देंगे। तो ये हलवा हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, इसे हम प्लेट में निकालते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर से खोया डालना है इस समय आप खोए को भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इसे हम काजू और बादाम से गार्निश कर देते हैं। तो हमारा गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरीके से इस हलवे को बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका गाजर का हलवा कैसा बना।